हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड ओमवीर सिंह एडवोकेट। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा। मेरे प्रिय साथियों, जिससे मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे, मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, मैं नई नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूं। तो मेरे प्रिय साथियों, आज का टॉपिक है मोटिवेशन 2024, न्यू ईयर मोटिवेशन। तो मेरे प्रिय साथियों, 2024 स्टार्ट हो गया है, 2023 को हमने अलविदा कह दिया है। कहते हैं मेहनत से मुकद्दर बदल जाते हैं, मेहनत से मुकद्दर बदल जाते हैं, किसी के हाथ में किसी का कल नहीं होता, और एक तू दिलो जान से कोशिश करके तो देख, कौन कहता है किसी मुश्किल का हल नहीं होता। नमस्ते प्रिय साथियों, 31 दिसंबर 2023 का आज दिन है। आज के दिन अब 12 बज चुके हैं, मतलब है कि 31 दिसंबर जा रहा है और 1 जनवरी 2024 हमारे सामने है। एक साल का चला जाना और दूसरे साल का आना, ये जो समय हमारे बीच का है, ये एक ऐसा समय है जहां हमने पिछले साल हमने क्या पाया, क्या खोया, उस समय को देखते हुए और इस साल हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या प्रोग्रेस करेंगे, इस पर एक नज़र डालते हैं। 1 जनवरी का ये दिन हमारे पास 365 पन्नों की एक नई किताब है। एक नई किताब के होने के समान है, जिसका पहला पेज और आखिरी पेज और पूरी किताब ही हमारे लिए खाली है। आज का दिन हमारे शेष जीवन का पहला दिन है। इसका मतलब है कि यहाँ से अपने जीवन को जैसा आकार देना चाहेंगे। दरअसल उससे हम जो सीखना चाहेंगे और क्या हम जीवन में पाना चाहते हैं, उस पर फोकस करना होगा। हमारी जो बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़कर उनसे ऊपर उठना होगा, नई आदतों को अपनाना होगा। दोस्तों, ये वाला वर्ष 2024 आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि, सफलता, अच्छा स्वास्थ्य और हर वो काम जो आपके जीवन में भर दे, जिससे आपका ये जीवन खुशहाल हो। तो इस नए साल में कुछ नया करने का प्रण लेते हैं। आप क्या करें क्या ना करें, मैं कुछ बातों को आपसे बताता हूँ, ये लिखते जाइए और एक साल में हम इन चीज़ों पर काम करेंगे। ये 7 बातें हैं मेरे प्रिय साथियों, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला काम,
ये है कि आप अपने डर को चुनौती दें, चैलेंज योर फियर्स। हमें पहले अपने तीन डरों को पहचानना है, वो कौन कौन से तीन डर हैं। जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो डर हो सकता है कुछ नया सीखने का हो, नए काम को करने का हो, पुराने काम को छोड़कर अपना कोई नया काम शुरू करने का हो, जैसे स्विमिंग करना, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक करना, कुछ भी वो डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इस साल हमें उस पर काम करना है और उस डर पर काबू पाना है। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे, वैसे वैसे हम परफेक्ट होते जाएंगे। डर भागता चला जाएगा, डर के आगे जीत है। मूर्ख को किसी बात का डर नहीं होता। अगर आपको किसी चीज का डर है तो ये कहा जाता है कि आप मूर्ख नहीं हैं, बुद्धिमानी से अपने डर पर काबू पाया है आपने। तो मेरे प्रिय साथियों, बुद्धिमानी से जो भी आपके अंदर डर है उस पर काबू पाना है। इस नए साल में दूसरा काम यह है, फील योर सेल्फ, कि आपको अपने आप में महसूस करें, स्वयं को महसूस करें। ऐसा अभ्यास है ये जो आत्मविश्वास से भर देता है। इस साल अपने साथ समय बिताना है हमें, शुरू करना है। सुबह जल्दी उठकर कुछ समय मौन रहिए और अपने विचारों को लिखिए, ईश्वर में ध्यान लगाइए, सुबह सुबह भ्रमण पर निकल जाइए। शाम के समय सनसेट, सूर्य छिपते होना देखिए, व्यायाम कीजिए। किसी काम को अकेले कीजिए, किसी शाम को अकेले घूमने निकल जाइए। इन सब से अपने आप को जान सकोगे। कभी कभी अकेले ही यात्रा करनी चाहिए और जितना आप खुद को जानते जाएंगे और साहस से भरते जाएंगे, एक बाज की तरह, जिस तरह बाज अकेला ही बिना डर के सबसे ऊंचे आकाश में उड़ता जाता है, वह कभी भीड़ को लेकर नहीं चलता, वो हमेशा अकेला ही चलता है। जैसे बाज आकाश में सबसे ऊंचाई पर अकेला उड़ता है, डर पर कंट्रोल करता है और स्वयं को महसूस करता है। तीसरे नंबर पर आपको करना ये है, बीकमिंग ए सोर्स ऑफ सेलिब्रेशन फॉर द वर्ल्ड, कि दुनिया के लिए, लोगों के लिए उत्साह के स्रोत क्या हैं और उत्साह के स्रोत हमें बनाने हैं। याद रखिए, जीवन में हर किसी के जीवन में परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं। वो लोग जो दूसरों के सामने अपनी परेशानियां को गाते रहते हैं, उनके जीवन में परेशानियां और तकलीफ ही बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती ही रहती हैं। लोगों के सामने गरीबी, दरिद्रता होना, परेशानी बताने से बचें। अगर कोई परेशानी है तो उसे ठीक करने में लग जाइए। लोगों के लिए उत्साह का कारण बने, सकारात्मक बात सोचें, सकारात्मक बात करने को बोलें, अच्छे कार्य
करने से अच्छे कपड़े पहन कर रखें, कितने किसने कितना अच्छा भोजन बनाया है उसकी तारीफ करना ना चूकें। लोगों की तारीफ करने का मौका मत छोड़िए। चौथा, एक और खास और अलग पहचान बनाना है। चौथा ये है कि एक और खास और सबसे अलग अपनी पहचान बनाना है। टू क्रिएट यू आउन स्पेशल एंड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, अपनी विशेषता को पहचानना है, अपने शौक पर काम करना है, हॉबी पर काम करना है, आपके वह काम करना है जो और कोई नहीं कर सकता। अपनी एक अलग ही पहचान स्वयं को बनानी है। लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना है, लोगों का काम बातें बनाना है, आगे बढ़ने से रोकना है, श्रेष्ठ और महान कार्य करने की तीन तरीके हैं। नंबर एक, अगर आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं या श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं तो नंबर एक क्या है, लोग आपका उपहास उड़ाएंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे, और दूसरा विरोध में खड़े हो जाएंगे, आप जिस काम को कर रहे हैं उसका विरोध करेंगे। तीसरा, जब उनमें कोई चीज़ काबू नहीं पाया जाएगा, कोई चीज़ हाथ में नहीं आएगी तो क्या करेंगे, उसे जो आपका कार्य है कि हाँ वो लड़की स्टडी करती थी SDM बन गई, तो उसको आपकी मेहनत को स्वीकार करेंगे और मान्यता प्रदान करेंगे। तो लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करना है। बालों को संवारें, घर से बाहर निकलें और लोगों के बीच में जाएं, दो या तीन जोड़ी शानदार कपड़े खरीदें जो आपको और अपनों से अलग यूनिक दिखाते हैं। जब पता चलता है कि आप कोई पर्सनैलिटी हैं, कभी भी गया है और कुछ लोगों ने ये भी कहा है, रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रेस्पेक्टेड। पांचवा, ये काम जो हमें करना है वो है हमें जिम्मेदारी लेना। हमें पूरे नए साल में कम से कम 5 जिम्मेदारी लेनी चाहिए। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस साल हमें बहुत सारे वादे करने की अपेक्षा जिम्मेदारी लेना चाहिए। आप जिम्मेदारी लेकर उस काम को निभाएं, उस काम को पूरा करें जिसने आपको वह काम सौंपा गया है, उनके वादों पर खरा उतरें। मैं इस काम की जिम्मेदारी लेता हूं, अगर मेरी गलती से यह काम खराब हुआ है तो उसको उसकी जिम्मेदारी स्वयं ले, किसी और पर जिम्मेदारी ना सौंपें। तो मेरे प्रिय साथियों, जो लोग जीवन में आगे नहीं जिम्मेदारी निभाते और वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं बन पाते हैं, उनके जीवन में उत्साह और दोस्तों की कमी रहती है, घर में, कैरियर में, स्वास्थ्य में जिम्मेदारी लेना सीखें। छठा, इस साल अपना नव निर्माण करना है। नव निर्माण, टू रिइन्वेंट आवरसेल्व्स, अपने अनुभवों से सीखना है और इस साल में नए अनुभवों को मेरे जीवन में जोड़ना है। ये चुनाव करने का विकल्प केवल आपके ही पास है, किसी और के पास नहीं है।
ये हमारे चुनावों की ताकत है कि हम अपने आप को जब चाहें तब बदल सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, सातवीं सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अनुभवों से सीखना और मुश्किलों से घबराना नहीं है। कहा है किसी ने लोहा, जितना तपता है वो उतना ही ताकतवर बन जाता है। लोहे को आप जितना तपाओगे वो उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही वो निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे उतना ही वो और ज़्यादा चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, मजबूत होता है। तो जितना आदमी तपेगा, संघर्ष करेगा, उतना ही चमकेगा। सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा तपना भी होगा। और नदियों से आदर पाना है तो पर्वतों को छोड़कर निकलना होगा। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, अनुभवों से होकर गुजरें, लहरों से टकराएं और परेशानी से तपें, कुंदन बनकर निकलें। ये सात बातें इस साल आपको करनी हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, मुझसे प्रॉमिस करो कि आप इन सात बातों को जरूर करेंगे। वीडियो के अंत में मेरे प्रिय साथियों, मैं यही कहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पुश नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें, मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बस आज की वीडियो में यहीं तक, कल मिलते हैं इसी समय एक नई वीडियो में। नमस्ते।